नमस्कार, मैं उमेश यादव, ग्रैंड एशिया 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष भैया योगेश जैन जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सांवरिया सेठ दरबार में 900 किलोमीटर पंजरी का भोग लगेगा। 12वीं की मार्कशीट में 7% अंक, 9वीं 10वीं 11वीं के जोड़े। डायन बता सताई गई महिलाओं को जीने का हक लौटाया, 50 को बचाया। सोलापुर का रूठा सैलान, सैलून जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे कटिंग सेविंग नहीं होगी। यहाँ 350 से ज्यादा किताबें। बांगो बांध व दर्री बराज के गेट खोले, घरों में घुसा पानी, बाढ़ का अलर्ट भी जारी। सबसे पहले भी पूरे जिले वासियों को तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। आगे बात करते हैं भैया, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि लगातार जो कोरबा जिले की खासतौर पर बात की जाए कि 6 गेट खोले गए बांगो बांध के, क्या लगता है किस तरीके से स्थिति है? अभी भी लगातार बारिश हो रही है, क्या लगता है कि 2012 के बाद फिर वैसी स्थिति बनेगी? देखिए, पानी अच्छा गिरना तो अच्छा संकेत है जी। बाकी जो इंक्रोचमेंट हो गए हैं नदियों के किनारे में, ज़्यादा लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, तो ये जो गेट खुलने के बाद जो अधिक पीड़ित होते हैं उन्हीं लोग पीड़ित होते हैं जी। तो इनकी व्यवस्था सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं उसमें लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो ये समस्या हल होगी। लेकिन ये इंक्रोचमेंट और आने वाले लोगों का ना रुक ही नहीं रहा है ये जी, तो उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जब शुरुआत में ही जब नदी के मुहाने पर जब घर बनाया जाता है उसी समय नगर निगम के जो तोड़ू दस्ता के प्रभारी या जो भी लोग हैं उनको हटाया जाए, वैसी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे समय में उनको समस्या ना हो? यही तो समस्या है ना, लेन देन का जो मामला रहता है, सब अपना 100, 500, 1000, 2000 दे के अपना बना लेते हैं और रह जाते हैं, क्या करोगे, रुके नहीं पा रहे। बिल्कुल। बंगाल में रॉबिन 13 साल की उम्र में अंधविश्वास के खिलाफ जंग, डायन बताकर सताई गई महिलाओं को जीने का हक लौटाया, 50 को बचाया। रंजिश में फैलाते हैं डायन की अफवाह, क्या लगता है जिस तरह से अभी कई बार हम लोग भी देखते हैं कोरबा में भी बाहर भी कि जो एक बताते हैं ना कि टो नहीं है, तमाम जो शब्द उपयोग किए जाते हैं कहीं ना कहीं उससे लोग सताए जाते हैं, तो ऐसे मामले में क्या होना? देखिए, पहले की अपेक्षा तो ये बहुत कम हो गया है जी। आप भी मेरे को लग रहा है साल भर बाद ऐसी न्यूज दिख रही होगी जी, जी, तो देखो ये सब चीज़ तो रुक नहीं सकती, लेकिन कम जरूर हुई है और आने वाले समय में और जरूर कम होगी। बिल्कुल। मिशन जोगरा क्रिप्टो क्रिश्चियन की बना रहे जिसके नाम नहीं बदला, 4 राज्यों में 10 साल में 25,000 से ज्यादा हो गए खर्च। नशे को रोकने ड्रग पेडलर की संपत्ति जब्त करे, ड्रग्स को कारोबार दुनिया के लिए बड़ा खतरा। शाह रायपुर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शुरू, क्या लगता है भैया? अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ड्रग्स और गांजे तमाम जो प्रकार के जो नशे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हेड वो बनाया गया है, किस तरह से लाभ होगा? जैसा कि कल गृहमंत्री जी का वक्तव्य से ही पता चला जी कि इस मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे प्रदेशों से डबल डबल है जी, मतलब बहुत अति हो गया है जी। तो इसके रोकने के लिए तो यह है, अगर प्रयास किया जा रहा है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो खुला जा रहा है उससे जरूर इसमें कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होना भी जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि ना अपने माँ बाप को कुछ समझ रही है, ना अपने शिक्षकों को समझ रही है, और नशे में इतनी लिप्त है कि पूछो नहीं। तो इस पर कंट्रोल करने से ही ये सुधर सकता है। इनका कहना था कि गांजे की जो खपत है छत्तीसगढ़ में वो बाकी राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है, डबल है, मतलब उड़ीसा से और तमाम जगह से डबल है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग या जो भी जो इनको पकड़ने का जो काम करते हैं उनकी कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? नहीं, देखिए वही बात हो रही है जैसे उसमें बोले थे ना आपकी बेजा कब्जा सब नदी, वैसे ही है सब, लेन देन के मामले जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो भी हो जाएंगे सब। लेकिन अब ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो खुलेगा ना तो ये सब इसी में लगाम लगाने के लिए ही खुल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही लगाम लगे। बिल्कुल। क्या लगता है अभी जिस तरह से अभी वो 3 दिवसीय दौरे पर सर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर 7 राज्यों के DGP और मुख्य सचिवों की बैठक रखी गई थी, क्या लगता है कि अब नक्सलवाद को खत्म करने की ओर अग्रसर है? इतने सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है जी, लेकिन कभी इस तरह का प्रयास होता हुआ नहीं देखा गया। बिल्कुल। तो ये माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रयास है ना जरूर सार्थक होगा, और आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर तक में इस चीज़ में कंट्रोल आ गया, पत्थरबाजी जो वहाँ होती थी। यहाँ पे जो 7 राज्यों के DGP को बैठा के जो चर्चा होना, मतलब एक ऐसा प्रयास देख रहा है कि इसमें 100% सफलता मिलनी है। बिल्कुल। उसमें ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार से जो मदद आपको चाहिए वो मिलेगी। यही एक सरकार है मोदी सरकार, में आपसे मतलब आप बोलोगे यार राजनीति लाते रहो, लेकिन यही एक सरकार है जो ना निष्पक्ष होके और वोट बैंक की चिंता ना करते हुए भी जो काम करना वो कर रही है। पूर्व गृह मंत्री अनकी राम कंवर ने कहा भी कि जिस तरह से जब मैं गृह मंत्री था यदि केंद्र सरकार मुझे मदद करती तो शायद मैं भी उस ओर अग्रसर रहता।
बिल्कुल ननकी राम जी का भी बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन वही होता ताली एक हाथ से नहीं बजती है। उनने अपना प्रयास जरूर किया था लेकिन मदद नहीं होने के कारण से वही की स्थिति वही बनी रही। बिल्कुल, मिशन जोशुआ क्रिप्टो क्रिश्चियन भी बना रहे जिसमें नाम नहीं बदला जाता। चार राज्यों में 10 साल में 25,000 से ज्यादा हो गए चर्च। चार राज्यों में 10 साल में चर्च दोगुने आदिवासियों की भूमि पर बना रहे हैं। क्या लगता है भी आप लोग भी इस विषय पर काफ़ी वो रहते हैं, क्या लगता है जिस तरह से परिवर्तन कराया जा रहा है क्रिश्चियन समाज में, वो किया जा रहा है खासतौर पर आदिवासियों को, क्या होना चाहिए इस मामले में और क्या लालच दे के या क्या करके इनको अपने धर्म में लेके जाया जाता है? देखिए बहुत सालों से जी, मतलब आप देखोगे तो हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं देवबैरी में, वहाँ कुटुरवा जो चर्च है वो आज से 50 साल पहले बन गया था जी। और हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जो चर्चा होती है तो यही चर्चा होती है कि वहाँ पे गए थे तो देखे थे कि इसको बुखार है तो बोले जय यीशु बोलेगा तब उसको पैरासिटामोल देते थे। तो इस तरह से जो करके गलत किया गया है ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को अपनी स्वेच्छा से ही और सेवा करना, आप सेवा करो ना, सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना गलत है। सेवा करने में कौन मना कर रहा है? कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ऐसा भी नियम कानून बनना चाहिए कि जो लोग यदि क्रिश्चियन बन गए हैं तो उनको आदिवासी या तमाम जो उसका लाभ है वो ना मिले। डीलिस्टिंग के लिए बहुत प्रयास चल रहा है जी, अब देखो कब सफलता मिलती है, लेकिन अब कई लोग उसमें पीड़ित भी हो जाएंगे। अभी तो जो एक क्रिमिलेयर वाला आ रहा है भाई साहब, वो आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, गलत है। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसा यदि अगर उनको लाभ मिलता है आरक्षण का, तो आरक्षण का लाभ तत्काल बंद किया जाए? यदि आपको लगता है कि आप क्रिश्चियन समाज में रहना चाहते हैं तो आप वहीं रहिए, इसका फिर लाभ मत लीजिए आप। वो डीलिस्टिंग का वही है भैया, डीलिस्टिंग अगर लागू होगा ना तो वही होगा कि अगर आप आदिवासी बन गए, आदिवासी से क्रिश्चियन बन गए हो तो आप आदिवासी का लाभ नहीं ले पाओगे। बिल्कुल, डीलिस्टिंग लागू होगा तो ये हो जाएगा। बिल्कुल, हरिभूमि द्वारा लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का भंडाफोड़, 5 शिक्षकों को रायपुर मेडिकल बोर्ड के सामने करानी होगी जांच। क्या लगता है ये फर्जी जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कई बार हम लोग भी देखते हैं कोरबा में ही बाहर भी, इस तरह के जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी में है और कई बार 20-25 साल बाद मामला खुलता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे लोगों का हक मार के वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे यही भंडाफोड़ चलता रहता है कि बांग्लादेश से जो आ रहा है उसको उत्तर प्रदेश का नागरिक बना के उसको राशन कार्ड और सब बन जा रहा है, आधार कार्ड बन जा रहा है, तो ये तो रुक ही नहीं रही है चीज़ें। और आप जो बता रहे कि 30-35 साल जब रिटायर होने वाले तो उससे पहले पता चलता है, लेकिन क्या करोगे भैया, मानव इतना तेज है कि सब चीज़ों को कर लेता है, गलत सलत सब हो जा रहा है, लेकिन ये स्व सुधरेगा जब खुद सुधरेगा तभी सुधरेगा। बिल्कुल, कोतवाली के बैरक में आधी रात गूंजेगी बच्चे की रोने की आवाज़, सिपाही होंगे बेहोश और फिर निकालेंगे वासुदेव, पुलिस मनाएगी कृष्ण जन्मोत्सव, बैरक को सजाएंगे। क्या लगता है ये पहली बार रायपुर में इस तरह का वो किया जा रहा है कि जेल में फिर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, किस तरह का देखते हैं? देखिए ये मोदी सरकार के आने के बाद ही हो रहा है। बिल्कुल, कि हर हिंदू त्यौहार में दारू दुकान बंद हो रही है, बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो होता क्या था, त्यौहार के नाम पे छुट्टी रहती थी और छुट्टी के नाम पे लोग दारू पी लेते थे और दारू पी के वो त्यौहार को बदनाम कर देते थे। तो ये एक अच्छा प्रयास है और ये जेलों में अगर इस तरह का त्यौहार मनाया जा रहा है तो कैदियों का भी हृदय परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, अत्याचारियों को मिलेगी कड़ी सजा, मोदी कोलकाता मर्डर केस पर बोले प्रधानमंत्री। क्या लगता है जिस तरह से अभी कोलकाता में जो मामला हुआ है काफ़ी उसमें वो है, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए ऐसे जो अपराधी है इनको? देखिए कलकत्ता मर्डर केस का जो मामला है ना बहुत ही संगीन मामला है जी, उसमें जो है वहाँ पे बड़ा लंबा खेल होता था, अंग प्रत्यारोपण और अंगों का कालाबाजारी, और वो जो डॉक्टर का मर्डर हुआ है वो तो इनका भंडाफोड़ करने वाली थी, उस नाम पे बेचारी को मार डाला गया। तो इस पे रोक तरीके से लगनी चाहिए, लेकिन लगती नहीं है। आप होता है कांड फिर अपन भूल जाते हैं, फिर हो जाता है फिर भूल जाते हैं, फिर 2 महीने खाली वही चलता है, विरोध होता है, समझ में नहीं आता कैसे रोकेगा। बिल्कुल, राज्य भर में युवा कांग्रेस ने भरी जेल, जमकर झूमा झटकी, अध्यक्ष को पुलिस ने घसीटा, दुर्ग भिलाई बिलासपुर में सर्वाधिक हंगामा, सांकेतिक गिरफ्तार के बाद हुए रिया। क्या लगता है देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं बदलापुर की राजनीति या वाकई में इनका कुछ था? देखिए छत्तीसगढ़ हमेशा से अमन चैन रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन 5 साल तक कांग्रेस सरकार में रही और देवेंद्र यादव जी काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र के, और
उनके द्वारा जो बलौदा बाजार में जो योजनाबद्ध तरीके से ऐसा कांड किया गया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सर्वनाक हुआ ऐसा, और आज सतनामी समाज भी उस चीज से दुखी है कि हमारा समाज कभी इस तरह की हरकत नहीं करता है और इन लोग ने आके उस तरह का कर दिया, तो उसका खमेजा हुआ। और मैं तो प्रशासन को साधुवाद देना पाऊंगा, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। जी जी जी। और आप देखे थे यहाँ कल भी, यहाँ धरना भी दिया गया कोरबा में, तो 15 लोग नहीं थे यहाँ, तो बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक वो भी ले लिया गया था, उसके बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई उसको फिर राजनीति रूप दे दिया जाता है, वो मामले को ढकाने के लिए। जी, कि उस चीज को भूल जाओ, इसको उजागर करो, ये तो इन लोगों की वामपंथी नीति चली। बिल्कुल। राहुल बोले, मिस इंडिया में कोई दलित आदिवासी नहीं। रिजिजू ने कहा बालक बुद्धि, कांग्रेस नेता के बयान पर गरमाई सियासत। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते हैं कि मिस इंडिया में कोई दलित आदिवासी महिलाएं नहीं है, तो ऐसे क्या? देखिए, मैं ना आपकी अदालत में कल गुलाम नबी आजाद जी आए थे जी। तो वो बता रहे थे, जब मैं युवा था, मैं विदेश गया था जी। तो मेरे को वहाँ शिक्षा दी गई थी, यहाँ से जब मैं गया था, कि भारत के खिलाफ बोलना नहीं, किसी नेता के खिलाफ बोलना नहीं, देश हित में जो भी बात है वही रखना, देश के अहित की बात नहीं करना जी। तो उनसे वही पूछा कि आपने राहुल गांधी को नहीं सिखाया क्या जी? तो बोले, ये सब चीज़ तो एक बार समझानी पड़ती है, आदमी अडॉप्ट कर ले, वो नहीं कर रहा उसकी गलती, तो ये तो गलत कर रहे हैं, भुगत रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि खुद ही रील्स के वो हो जाते हैं, फिर बाद में उनको लगता हो कि मैंने क्या कह दिया? नहीं नहीं, मैं तो एक शब्द बोलूँ, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, एक शब्द बता रहा हूँ, देशद्रोही है ये, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि देश को नुकसान पहुंचे। कई बार हिंदुओं के खिलाफ बोल देना, हमेशा, कई बार क्या, हमेशा। बिल्कुल। चार राज्यों में 10 साल में चर्च दोगुने, वही खबर है। साहा की डेडलाइन मार्च 2026 तक करेंगे खात्मा। हालात, प्रदेश में 15 जिलों में सक्रिय है नक्सली, नुकसान बताकर नहीं जमा कर रहे जीएसटी। ऐसे संदिग्ध कारोबारियों की खुफिया सूची दिल्ली में मिली, अब पड़ेंगे छापे। क्या लगता है, आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जीएसटी की चोरी काफी होती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी वाकई में कई बार व्यापारी उसका विरोध करते हैं, जीएसटी कैसा है आपसे जानना चाहेंगे। जीएसटी देखिए, जीएसटी है तो अच्छा, लेकिन हर चीजों में ना जी अच्छी और अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से इसमें भी ना जी, जो ये बोगस कंपनी बनाना जी, और बोगस बिलिंग करा के उसको उसका लाभ लेके गायब हो जाना जी, जी, वो कंपनी नहीं मिलती, वो आदमी नहीं मिलता, इस साला मैं बताया ना, हर चीज का ना तोड़ ही नहीं है साला, कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है, चोरी करना है वो, हाँ, कर ही लेता है। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन सजग है और इसमें भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग बाग उसके कारण अच्छे लोग भी उससे परेशान है, परेशान है। नोटिस पे नोटिस आया जा रहा, नोटिस पे नोटिस आया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र में 2023-24 का लेखा जोखा पेश किया। अयोध्या रामलला की सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। चंपत राय, दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए। कैसा लगता है, आप भी गए थे अयोध्या राम मंदिर, कैसा वहाँ का माहौल है राम मंदिर बनने के बाद, उसके पहले भी आप गए थे? देखिए, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है जी। 500 साल तक जी रामलला जी जो हैं तंबू में रहे, वो तंबू में रहे हैं जी, जी, जी। उनको ऐसा एक भव्य मंदिर देना, मतलब मैं समझता हूँ आज भारत में अगर किसी को कहीं घूमने जाने की बात होती है ना, सबसे पहले अयोध्या की बात करता है, और जो अयोध्या नहीं जा रहता ना, वो बोलता है यार अयोध्या नहीं क्यों। तो ऐसा चीज बना दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, और पूरा हिंदू समाज। अब हमने तो याद है, हमको 10-10 रुपए लोगों से लिया गया, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया। जो आदमी अपना 10 रुपए के लिए, तो मतलब गरीब आदमी जो भीख मांगता था वो भी 10 की जगह 100 दे रहा था। बिल्कुल। तो ऐसा जुड़ाव है, हर आदमी का जुड़ाव है इससे, तो ये तो एक अनोखी चीज बन गई। बिल्कुल। ये 3 साल में घर नहीं जीता पाक, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार हराकर रचा इतिहास। हिजाबुल्ला में 320 रॉकेट दागे मोसाद का मुख्यालय। किसान आंदोलन में दुष्कर्म, हत्याएं हुई कंगना, ये हमारे जख्मों पर नमक लगाना किसान मोर्चा। पलटवार बयान, किसानों की बदनाम करने की साजिश। कांग्रेस बोली एनएस में लगे, आपने कहा उनके पीछे भाजपा। क्या लगता है, ये कंगना रनावत ने जिस तरह से कहा है कि किसान आंदोलन में दुष्कर्म और हत्याएं हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसी घटनाएं हम लोगों भी ने सुनी है कि एक महिला के साथ कुछ हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो भैया मतलब रोज रात में महफिलें सस्ती थी, ऐसा जी दिखाया आप लोगों ने, टीवी के माध्यम से देखा गया है कि दिन में धरना में बैठे, रात में पूरी महफिलें सजी, दारुओं की बोतलें खुल रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, मतलब क्या नहीं हुआ है। बिल्कुल। और अभी तो राकेश टिकैत जी का मैंने वेक्टर सुना, तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि हम तो 26 जनवरी को लाल किले में ले गए, उसको हम संसद में ले आते तो उसी दिन ये कांड हो जाता। बिल्कुल। मतलब ऐसी सोच वाले लोगों को क्या बताएं भैया। बिल्कुल बिल्कुल।
उत्तराखंड मदरसे में 5 बच्चियों से दुष्कर्म मौलवी दिखाता था जिन्न का डर ताकि वे घर में ना बताएं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के आरोपी राय को पॉलीग्राफ टेस्ट। बच्चियों को उर्दू सिखाने के बहाने उन्हें पोर्नोग्राफी दिखाकर दुष्कर्म करता था मौलवी। क्या लगता है भी ऐसे जो लोग बच्चियों के जो दुश्मन होते हैं जो उनके लाभ उठाते हैं उनका उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? एक मौलवी का ये पूरा मामला है। देखिए मदरसे में जो शिक्षा दी जा रही है जी, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बन पाए। वहाँ जो शिक्षा दी जाती है कट्टरता की दी जाती है ऐसा लगता है मेरे को। और जो ये 72 हुस्न और ये वो जो मामले जो पढ़ाए जाते हैं उसी का परिणाम है कि मौलवी भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये लगातार अभी तो सुनने में आ रहा लगातार यही चर्चा आ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पर रोक लगना चाहिए और लग रहा है, धीरे धीरे प्रयास जारी है। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। अस्पताल में पुलिस पेट्रोलिंग किए जाने की आवश्यकता। बांगो बांध के 6 तो दर्री बराज के 5 गेट खोले गए। निचली बस्तियां जलमग्न। क्या लगते हैं ये कोलकाता के बाद अब लगातार पूरे देश में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि अस्पतालों में एक कहीं ना कहीं चौकी की स्थापना की जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन CCTV बाकी भी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि ऐसी घटना जी। लेकिन ये महिला डॉक्टर जो है 24 घंटे ड्यूटी में जो रहती है तो वो तो अगर इस तरह से होगा तो चिंतित तो होंगी वो भी। बिल्कुल। तो अगर आपने जो बोला CCTV और गश्त रहे पुलिस की गश्त रहे तो उन सब चीज़ें भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा देना जरूरी है। कहीं ना कहीं भी आपको नहीं लगता कि जो नियम कानून हो उसमें ऐसा कुछ किया जाए कि एक हफ्ते के भीतर जो चिन्हांकित हो जाए कि हाँ इसने ये दुष्कर्म किया है उसके ऊपर तत्काल जो भी सजा हो उसको, चाहे फांसी की सजा? बिल्कुल, सजा कई बार 12-15 सालों के बाद सजा मिलती है, तब तक तो बहुत हाँ, व्हाट्सएप में वो चल भी रहा है कि दुबई में फांसी दे रहे हैं, पाकिस्तान में फांसी दे रहे हैं, हमारे यहाँ 2000 में छूट। बिल्कुल ठीक है, कड़ाई हो जाए उसमें, कानून कड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चैनपुर दीपका सड़क कीचड़ में तब्दील, आवाजाही में परेशानी। कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रिप का समस्या। क्या लगते हैं ये बारिश के समय जिस तरह से आप देखते होंगे जो सड़कों का जो हाल है, क्या लगता है DMF की राशि और तमाम जो राशि CSR मत की राशि इसका बंदरबाट हो जाता है ऐसा नहीं लगता है? सड़कों के मामले में नगर निगम क्षेत्र में आप देख ही रहे किस तरह के हालात हैं, ठेकेदार और आयुक्त आमने सामने हैं कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख होता है ऐसा देख के। 11 करोड़ रुपए की सड़कें बनी थी जी। और वो 3 साल का ही टेन्योर था, वो 3 साल का 1 साल भी नहीं चल पाई। बिल्कुल। और ये आपने देखा होगा कि DMF से 190 करोड़ का ये वाला रास्ता था कुसमुंडा वाला, वो भी समय में रहते पूरा नहीं हो पा रहे, और जगह जगह आप देखोगे गुणवत्ता भी नहीं है भाई। बिल्कुल। तो इसमें देखो मैं तो फिर से बोलूंगा वही राजनीति वाली बात कि कांग्रेस शासन जो भी रहा है 5 साल उसने दुधारू गाय समझा है, हर तरफ जहां उनको मिला पैसा लूट लिया। बिल्कुल। लेकिन भैया जो अगर मान लीजिए 5 सालों में जो भी भ्रष्टाचार हुआ भाजपा की सरकार आ गई उनके ऊपर नकेल कसे उनके ऊपर कार्रवाई कराई जानी चाहिए। आप देख रहे हो लगातार कार्रवाई हो रही है। आज वो 11 करोड़ की जो सड़कें बनी थी उस कंपनी पे उसको ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी है, वो कोर्ट चली गई, कार्रवाई हो रही है। आप बिल्कुल देखिए आपको जानकारी मिल जाएगी, जो गलत किया उस पर कार्रवाई जरूर। अभी बताया जा रहा है कि जो उनकी धनराशि थी जो SDPG कहा जाता है उसे रोका गया, उसी पैसे से टेंडर निकाला जाए सड़क के मरम्मत के लिए, आयुक्त का ये टेंडर निकाल रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड क्लास मैनेजर की योग्यता रखने वाले माइनिंग कर्मी नहीं बना पाएंगे कोल अफसर। डेंगू पीड़ित युवक की इलाज के दौरान बिलासपुर में मौत। कोरबा में शुरू होगा आई बैंक कर सकेंगे नेत्रदान। क्या कहना चाहेंगे भैया? स्व सहायता समूह भारत विकास परिषद की मदद से संचालित होगा, अब नेत्रदान करना आसान होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये, बहुत बहुत साधुवाद है भारत विकास परिषद को। और कोरबा में इस तरह की और भी आवश्यकताएं हैं, जैसे आपने देखा होगा बिलासपुर के पास गनियारी है, गनियारी में एम्स के 3 चिकित्सकों ने एक चिकित्सालय बनाया और वहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में इलाज और पैथोलॉजी में भी केमिकल रेट में पैथोलॉजी और डॉक्टर भी 20-20 रुपये में उसका परीक्षण कर दे रहे हैं, OPD हो जा रहा है। इस तरह का कोरबा में भी इस तरह का कोई संस्थान खुलना चाहिए और मेरे जानकारी में आया है कि बहुत जल्द ही कोरबा में खुलने वाला है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है और जरूर इसके लिए सबको साधुवाद। बिल्कुल। इमली छापर चौक से कोरबा व कुचैना की ओर आवाजाही मुसीबत से भरी। गड्ढे व कीचड़ के बीच गुजर रहे लोग, 4-लेन निर्माण की धीमी गति से कुसमुंडा में राहगीर परेशान। अप्रोच रोड बदहाल, कीचड़ में फंस रहे वाहन। वही बात जो आप कह रहे थे कुसमुंडा मार्ग की, क्या लगता है 3-4 साल हो गए कहीं ना कहीं ACCL के CSR मत से काम हो रहा है, ACCL के अधिकारी भी कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं ऐसा नहीं लगता कि ठेकेदार के डर से शांत बैठे हैं?
जो भी हो भैया, इससे लोग बाग इतने दुखी हैं, मैं चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते व्यापारी भी इतने दुखी हैं कि दीपका से उनकी अच्छी ग्राहकी होती थी, वहाँ के कोई लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और दीपका वाले बेचारे परेशान है कि कोरबा पास में था, वहाँ उनका सारा काम हो जाता, अब उनके लिए बिलासपुर जाना पड़ रहा है उनको, तो सब कोई परेशान है। लेकिन जिसको समझना चाहिए, जिसके कारण परेशान है वो परेशान नहीं है, बस बिल्कुल वो दूसरे की परेशानी में खुश हो रहे हैं। बिल्कुल ये कार्रवाई वहाँ भी होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जो 11 करोड़ की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, उस कार्रवाई को वहाँ भी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होए वो। मैंने बीच में एक खबर बनाई थी जिसमें कहा गया वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि यहाँ प्रदूषण की इतनी ज्यादा वो है और सड़क कि ऐसा लगता है कि अब वह व्यापार ना करके कहीं और व्यापार किया जाए तो बेहतर होगा। मेरे नॉलेज में तो एक दो दुकान में बंद हो गई भाई साहब, बंद हो गई जी। तो उसके पीछे रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उनको जो प्रदूषण भी झेल रहे हैं, सड़कों की मार भी झेल रही है, और व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। युवा कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, शिविर में पहली बार दिव्यांगों को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, एक्सपायरी डेट रिजेक्ट, GMST को किया वापस, धन संपदा चली गई, अनुभव से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं सहलेस, युवकों ने एक दूसरे पर शराब की बोतल मारी। क्या लगता है ये शराब को लेकर 5 साल पहले जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने गंगाजल हाथ में लेकर कहा था कि शराब पूरी तरह से बंद कराया जाएगा, पूरे 5 साल गुजर गए लेकिन शराब का जो विवाद है वो पूरे घरों को बर्बाद कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? शराब का तो अगर भूपेश बघेल सरकार की बात करोगे तो शराब में तो उन्होंने लंबा घोटाला किया, 2000 करोड़ का घोटाला उसमें पेपर में, 2000 करोड़। हाँ, और नहीं मालूम क्या, मतलब क्या सोचो आप कि लेबल छपा के, लेबल लगा के बेच दे रहे भाई साहब, क्या मतलब? अलग से गाड़ी आती थी, अलग से उसका कलेक्शन करने के लिए लोग आते, मतलब राज्य सरकार को इतनी चोट पहुंचाना बिल्कुल बहुत ही गलत है, और उसी का परिणाम है कि आज लोग बाग इतना दारू वारू पी के और झगड़ा कर रहे हैं, युवाओं में ज्यादा इस तरह का मामला चल रहा है। तो वो सब अब अमित शाह जी आए हैं, वो जो नारकोटिक्स वो बना रहे हैं, उससे सब चीजें में कंट्रोल आएगा। बिल्कुल। अमगांव धर्रा खाचा में 2 घर ढह गए, ग्रामीण बोले हैवी ब्लास्टिंग जिम्मेदार, उप सरपंच ने कहा खदान में हैवी ब्लास्टिंग तुरंत बंद होनी चाहिए। क्या लगता है ACCL खदान के आसपास जो भी प्रभावित गाँव है वहाँ ये काफी खबरें आती है कि वहाँ जो ब्लास्टिंग होती है उससे घरों को नुकसान होता है, क्या लगता है ACCL या तो उन्हें दूर रखे या फिर ब्लास्टिंग की मात्रा ऐसी रखे कि उनके घरों को नुकसान ना हो? नहीं भाई साहब, देखिए इसमें ना होता क्या है, मुआवजा ले चुके रहते हैं उसके बाद भी वहाँ रहते हैं लोग जी, वो भी समस्या ये भी है। और ये मुआवजा का खेल तो इतना लंबा होता है कि जहाँ मुआवजा होने वाला वहाँ पहले लोग जाकर घर बना देते हैं और पहले जमीन लेंगे फिर घर बनाएंगे ताकि ज्यादा मुआवजा मिल जाए, क्या हो रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आता हमें। उसमें भी अब व्यापार होने लगा जिनको मालूम चल गया कि यहाँ पर खदान आने वाली है, पहले जमीन लेना गजब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मछली पकड़े जाने जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, जांच के दौरान नशे में मिले 3 ड्राइवर, लगा जुर्माना। क्या लगता है भी जिस तरह से अभी नशे की ही बात करें तो हम लोग, तो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, उनको 1000-2000 रुपये जुर्माना देकर ना छोड़ा जाए, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की वजह से ही मुख्य एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। नहीं, इसमें तो मैं पुलिस प्रशासन को थोड़ा सी धन्यवाद देना चाहूंगा, जब से वो मुंह में पेनाल्टी भी लंबी चौड़ी रखे हुए हैं, बिल्कुल उसके चक्कर में ड्राइवर लोग जरूर इसमें डरे हुए हैं, लेकिन कई लोग मानते ही नहीं है, उसी तरह के लोग फंसते हैं, और लगातार इसमें तो और कड़ाई होना चाहिए, और जांच हर चौक चौराहे पे जो भी सीमा रहती है, मान लो कोरबा में गोकुल धाम वहां कर दिए, इधर ऐसे करके चार जगह चारों तरफ होए, जो भी मुहाले वहां पे वो कर ले तो बिल्कुल। मछली पकड़े जाने पर जान जोखिम में डाल रहे लोग, क्या लगता है ये बारिश और जिस तरह से अभी डैम के गेट खुले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि अभी नदियों से दूर रहे? कैसे भाई साहब, क्या बताओगे आप जी? जैसे ही पानी बढ़ता है तो बांगोड़ अपने दर्री डैम में लोग बाग खड़े हो जाते हैं इसका भी आनंद लेने जी, जी, जी। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है चलो ये चीज भी अपने को देखने मिल रही, नहीं तो जाते थे हिल स्टेशन वगैरह में जाए तब वहां देखने दिखते थे तो ये नजारा तो अच्छा देखने मिल जाता है, लेकिन उसको नीचे जाके जो जोखिम में डाल के करते हैं वो गलत है, ऊपर से कर लो आप जो करना है। बिल्कुल। सिरगिट्टी क्षेत्र में बिछ रहा CCTV कैमरे का जाल, हालांकि सिरगिट्टी खबर अभी है, कोरबा में भी सभी सड़कों पर CCTV फुटेज लगाए गए हैं, मतलब उसके कैमरे लगाए गए, व्यवस्थित किया गया है पूरे जिले में, क्या लगता है? लेकिन उसका लाभ कहीं नहीं मिल पाता, बड़ी बड़ी चोरियां या तमाम चीज़ें होती हैं तो आपके मेरे घरों से चेक किया जाता है कि यहां से चोर गुजरा है कि नहीं, सड़कों पर जो CCTV लगे हुए हैं उसको यदि रख रखाव अच्छे से होगा तो जो भी बड़ी घटनाएं होंगी उसमें आराम से जो भी अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। देखिए SP साहब जो सिद्धार्थ तिवारी जी आए जी, मैं प्रथम बार में जब आए थे तो इनसे मिलने गया था जी।
तो इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मेरे को जी। मतलब मैं भी गया था, मैंने बोला भैया सब व्यापारी को बोलो, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, एक कैमरे को बाहर भी लगाएं। तो हमने भी व्यापारियों से अपील भी की थी और शासन के भी कैमरे जो पुराने लगे हुए थे उसको भी दुरुस्त किया गया है और कहीं ना अपराध को रोकने के लिए बहुत सार्थक प्रयास है और जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। दंतेल छाता पहाड़ जंगल में कुमकी हाथी वापस लौटा, वन अमला अभी भी सतर्क। क्या लगता है भैया, कुसमुंडा खदान तक पहुंच गया था दंतेल हाथी, क्या लगता है ये अपने घर वापस इसलिए नहीं जा रहे कि हम लोग उनके घर में घुस जा रहे हैं, या फिर एलिफेंट कॉरिडोर की बात कही जा रही है अभी भाजपा सरकार में कि बनाया जाएगा, कब बनेगा, 5 सालों में बन जाएगा? भैया अपन तो यहाँ बैठे ना, आपकी यहीं पे चौक में आ चुका था जी, यही था ना। बिल्कुल एलिफेंट लगाई गया था। ये तो इसमें तो बहुत चिंतनीय विषय है और इसमें कई सालों से सुनते जरूर हैं कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बजट भी पता चला कि दिया जाता है जी, जी, लेकिन इसमें थोड़ा सी ठोस पहलों के तरीके से बनाना चाहिए और जो इनके लिए आरक्षित क्षेत्र रहे उसमें इंक्रोचमेंट भी फिर नहीं होना चाहिए। आजकल तो गांव-गांव में देखो तो कॉन्क्रीट के जंगल बन जा रहे हैं। मिल से चावल लेकर धनबाद निकला, ट्रक हो गया गायब। हालांकि एक अलग खबर है, आपको भी मालूम होगा कि 10 रुपये में जो APL कार्डधारी है उनको 10 रुपये में चावल देना है, लेकिन वही जो सोसाइटी संचालक है 16 रुपये में उन्हीं से खरीद लेते हैं, उसको फिर ऐसी जगह में बेच दिया करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई या फिर कैसे नकेल कसा जाए? अरे भैया आप 10 और 16 में अटके हुए हो जी, जाके 24-25 पहुंच गया। नहीं, अब 16 रुपये में जो लोग हैं उनको देते हैं, वो 24 में बेचते हैं, अलग चीज है। ये खेल ना नहीं रुक पाएगा जी, नहीं रुक पाएगा और इसके लिए बस यही है कि चोर सिपाही का खेल। तो खाद विभाग भी कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ मिलता होगा। सब नहीं, खाद विभाग क्या करेगा इसमें? मान लो पब्लिक को 10 रुपये मिल रहा है, वो जाके बेच दे रहा है, किसी को 1 रुपये मिल जा रहा है वो बेच दे रहा है, राशन दुकान वाले ले लेते हैं। ये खेल भैया यदि जा रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर जाँच की जाएगी तो बड़ा मामला खुल सकता है। अब वो क्या होता है कि मान लो किसी ने 100 किलो लिया और किसी ने 500 किलो लिया, लेकिन वो जाएगा तो पूरा ट्रक में, पूरा बड़ा आदमी आएगा तभी तो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें रहते हैं कई लोग, रहते हैं कई अच्छे भी लोग हैं, ऐसे नहीं सारे चोर सभी वैसे नहीं है, लेकिन संभवतः मैं कुछ लोगों को जानता हूँ वो लोग यही करते हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।